हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ये दो स्टॉक्स REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, अगर REC और सेंचुरी टेक्सटाइल, इन दो कंपनीज में से किसमें सबसे ज्यादा पैसा बन सकता है, और अगर आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो कब एग्जिट करना है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस है, बाय में जाएं या सेल में जाएं, फ्रेश बाइंग बनाएं या फ्रेश सेलिंग करें इसके अंदर। तो गाइस, किस तरीके से ये दो स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं चार्ट्स के अंदर, आज हम उसे देखेंगे। मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे कि सर हमारे पास ये दो स्टॉक्स होल्डिंग्स में हैं, आप क्या बताइए हम क्या करके चले, या फिर मार्च की एक्सपायरी के लिए, जब मार्च की एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके लिए हम इन दोनों पोजिशंस में क्या करके चले, पोजिशन को शॉर्ट बनाए या बाय या फ्रेश लॉन्ग करें। सो गाइस, इसके मैंने चार्ट्स की स्टडी करी है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा अब इस तरीके से मैं जो फॉलो करता हूँ, सिर्फ फिबोनाची ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से उसमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। सो गाइस, बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ये दो स्टॉक्स में हमें अपनी पोजीशन को इनिशिएट करना होगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने REC का चार्ट ओपन करके रख लिया है। अब REC के चार्ट में हमें किस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, क्या ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट्स का काम करेगी कि हमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले या एक बेस्ट शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, और किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। REC के पूरी चार्ट स्टडी करेंगे, मैंने अपने जो भी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी थी सब हटा दिए, सब आपके सामने बनेगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरफ अब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे गाइस। इन पर्टिकुलर दो स्टॉक्स में हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सपोर्ट मिले हैं कि गाइस अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने के लिए। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे पोजीशंस की तरफ ध्यान देंगे कि किस तरीके से बनता है। देख सकते हैं ये पैटर्न, आपको देखकर समझ गया होगा किस तरीके का बन रहा है। सबसे पहले हम सपोर्ट्स को, ट्रेंड लाइन को मिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अब हम अपने रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को फेस करने की कोशिश करेंगे जी गाइस। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा, यानी कि एक रेंज के अंदर ये पर्टिकुलर काउंटर ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इस पॉइंट से, यहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अप मूव दी, उसके बाद एक और डाउनफॉल आई और इस सपोर्ट को इसने रिजिस्ट करा, इस सपोर्ट को इसने फेवर में लिया। दूसरी बात, अब जब ये वापस ऊपर गया तो रेजिस्टेंस को भी इसने फेस करा और फेवर में लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक ये कप शूट कप एंड फॉर्म बना रहा है, यानी कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा, रेजिस्टेंस सब ट्रेंड लाइन के पास गया, हम मानेंगे कि ये ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है गाइस, यहाँ से इसने कप एंड की फॉर्म में बनाया, वापस ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है। अब किस तरीके से अब हम ऑब्जर्व करें, क्या ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन है, या अगर ये नीचे की तरफ इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग सेल पोजीशन बनानी चाहिए। इसके लिए हमें इस जो हम इस पैटर्न के अंदर आ गए हैं, ये पैटर्न हमें नहीं बता पाएगा कि गाइस ये ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करेगा या ये वापस नीचे आ सकता है, तो उसके लिए हमें इसमें और ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। अब हम वापस बढ़ते हैं, किस तरीके से क्या स्टडी करनी पड़ेगी, हम और चीजें इसमें इनिशिएट कराएंगे। सबसे पहले बात, अब आप देख सकते हैं मैंने ये बना दिया है, मैं सोच रहा हूँ इसमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ कर ली जाए, शायद उससे हमें कोई और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए सोचने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर बन सकता है। देख सकते हैं गाइस, मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर ली, क्या सजेस्ट कर रहा है फिबोनाची गाइस, ध्यान से देखिएगा, पर्टिकुलर काउंटर ऊपर गया, 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को इसने रिस्पेक्ट दी, नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, नीचे अपने बॉटम को टेस्ट नहीं करा, तो हम अभी हम इसे पूरा नहीं मानेंगे, 50% यानी कि ट्रेंड लाइन तक इसने सपोर्ट लिया, दोबारा नीचे आया, एक जो इसका पैटर्न था, मतलब एक जो इसका फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया। दूसरे अगर हम फॉर्म की तरफ बढ़े तो ये ऊपर गया, ट्रेंड लाइन जहां बनी वहीं पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल था, उसको इसने रिस्पेक्ट दी, दोबारा नीचे आया, सेकंड फॉर्म कंप्लीट हुआ। तीसरा फॉर्म कब कंप्लीट होगा गाइस, ये ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले चुका है ये गाइस, आप देख सकते हैं, और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे भी जा चुका है ये, आप इसमें यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं।
हो सकता है यहाँ पर ये कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करे, दोबारा अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरफ ये बढ़ना शुरू कर दे, और उससे होगा क्या, तीसरा फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो इसने 38 को रिस्पेक्ट दिया, दूसरी बार ऊपर जाने के बाद नीचे आया 50% को रिस्पेक्ट दिया, तीसरी बार ऊपर जाने के बाद अब ये नीचे आएगा तो यानी कि 61% रिट्रेसमेंट को भी इसने रिस्पेक्ट दे दिया है। और हो क्या सकता है, पर्टिकुलर यहाँ से जब ये स्टॉक नीचे जाएगा तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर क्यों देगा, क्योंकि गाइस ये एक डाउनवर्ड पोजीशन में एक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यानी एक डाउनवर्ड पोजीशन में ये पैटर्न बना हुआ है, और ये पैटर्न का जो ब्रेकडाउन जो बहुत स्ट्रांग होगा वो डाउन साइड की में नीचे ज्यादा होगा, उसके खिलाफ ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ 61 तक पहुंच चुका है, यहाँ इस तरीके से कंसोलिडेट कर सकता है कुछ टाइम तक, और उसके बाद एक वापस फॉल आ सकती है, और इस फॉल से ये दोबारा नीचे गिर सकता है। गिरने के बाद हम अपनी पोजीशन बनाए या ना बनाए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, कि किस तरीके से और हमें कब अपनी पोजीशन को इनिशिएट करना होगा। इस पर्टिकुलर काउंटर ने अगर यहाँ से एक फॉल लिया और ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक कर देती है, तो हमें पोजीशन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद नहीं लेनी है, हमें पोजीशन लेनी है जब इसका प्रीवियस स्विंग लो जो है उसको वो ब्रेक कर देता है, यानी कि जब इस लेवल को ये ब्रेक करेगा हम तब अपनी फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे इस काउंटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक ये लॉन्ग टर्म या एक शॉर्ट टर्म बॉटम इनिशिएट हो सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, और यहाँ से वापस हम रिवर्स की तरफ ईके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने बहुत से काउंटर्स में देखा था, जिस तरीके से हमने अपने निफ्टी के चार्ट में देखा था, बिल्कुल सेम तरीके का पैटर्न बना था, और इसी स्विंग लो से उसने 10,600 से रिस्पेक्ट दे के अपनी फेवर में लेके ऊपर की तरफ चला गया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। सो गाइस ऐसे जो फॉल्स टेक्निकल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं उसके पहले मैं आपको ऑब्जर्व करना चाहिए क्या वो फॉल्स है, और एक्चुअली में जब वो ब्रेकडाउन हो रहा है तो कहीं पर वो नीचे उसके नीचे सपोर्ट होगा लॉन्ग टर्म, जिसकी वजह से वो वहां से बाउंस बैक कर पा रहा है। सो हर चीजों को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। अब मैं यहाँ पर आपके लिए ऑन करना चाहूंगा वीकली चार्ट, ओपन करके देखते हैं वीकली चार्ट को, तो वीकली चार्ट में किस तरीके से बन रहा है। मैं इस पैटर्न को यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने आपको क्लियरली पैटर्न सजा दिया कि पहले ही जो चीज हमें सजेस्ट कर रही है वो सजेस्ट कर रही है ये पैटर्न पे कि गाइस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर पहुंच गया है, यहाँ से इसे शॉर्ट करिए। दूसरी चीज क्या सजेस्ट कर रही है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी 61 तक पहुंच चुका है, तो यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। दो चीजें सजेस्ट कर चुकी हैं कि इस पर्टिकुलर काउंटर पे हम इस लेवल से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर चुके हैं। तीसरी चीज भी अगर हम बढ़ते हैं तो अब आप देखिएगा कि तीसरी चीज क्या सजेस्ट कर रही है। मैं ये सारे पैटर्न्स को हटा देता हूं, अब आप देखिएगा गाइस ये मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और ये वीकली चार्ट बहुत ऊपर तक यानी कि 10/9/2010 तक का है। अब आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन कर देता हूं और उस पर मैं आपको लेकर चलता हूं, ये चीज देखिएगा और उसके बाद ये चीज देखिए। आप देख सकते हैं मैं इसे जूम नहीं करूंगा क्योंकि जूम में करूंगा तो ये थोड़ा बहुत जो है वो सही नहीं लगेगा देखने में। देख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर पे ये जो मैंने सपोर्ट की लाइन बना रखी है वीकली चार्ट के अंदर, किस तरीके से इसने रिस्पेक्ट दे रखा है 72 के लेवल को, यानी कि 70 अप्रोक्स के लेवल को, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट दिया था। आप सिर्फ माउस कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसने यहाँ पर भी सपोर्ट दिया, इसने एक तरफ और सपोर्ट दिया, ये इसने चौथा सपोर्ट भी दे दिया। भाई चार सपोर्ट देखने को मिले हमें इसमें लॉन्ग टर्म के अंदर। और आप दूसरी बात एक और देखिएगा, अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की बात करें, एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने फेस करा, दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा, तीसरी बार इधर भी करा और चौथी बार इधर भी करा। अब आप ध्यान से देखिएगा गाइस कि किस तरीके से हमें वर्क करते हुए चलना है। आपने देखा होगा गाइस कि हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ये 70 का लेवल है, इसका जो बॉटम है, इसका जो टॉप है वो अप्रोक्स 200 का लेवल है, यानी कि 130 पॉइंट्स का डिफरेंस है जिस पर्टिकुलर ये स्टॉक इस पे ट्रेड कर रहा है। और अभी अगर हम इसका डिफरेंस का हाफ करें, यानी कि 135 का हाफ करें, सो गाइज अगर आप देखेंगे तो 130 पॉइंट्स का जो डिफ यानी कि मीडियम है वो है 65 पॉइंट्स।
अब हम बात करते हैं कि अगर मैं जो इसका टॉप है 265 पॉइंट को डिक्रीज कर देता हूँ, यानी कि लेस कर देता हूँ, सो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा 135 के आसपास, 135 के आसपास बनेगा। और अभी ये जो पर्टिकुलर काउंटर है वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, 135 के अंदर, 133.50 में ट्रेड कर रहा है। अब हम क्यों कह सकते हैं कि यहाँ से एक जो तीसरा सिग्नल भी निकल रहा है वो शॉर्ट की तरफ निकल रहा है। ये जो लॉन्ग टर्म एक जो रेंज के अंदर ये पर्टिकुलर काउंटर ट्रेड कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म रेंज अगर टूटेगी तो किस तरीके से टूटेगी वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले 135 पे हमें क्यों शॉर्ट करना चाहिए आरईसी को वो देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में एक और बनाना चाह रहा हूँ 135 पे, आपको ध्यान से देखिएगा 135 के आसपास मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बना दिया। सबसे पहली बात अब हम ध्यान से देखेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन या ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, इस पे 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, इसे शायद रिस्पेक्ट दे के नीचे आ जाए। इसने इसको ब्रेक तो करा है, पर गाइस होता नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक करा है तो उसके ऊपर ही भाग जाएगा। होता है कभी कभार ये भी होता है कि वहां से रिस्पेक्ट दे के वापस नीचे आ जाए। ट्रेंड लाइन को हमें ऑब्जर्व करना गाइस, देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को अगर हम प्रीवियस जाते हुए देखते हैं बार बार, एक बार इसने देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, इसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, दोबारा नीचे आ गया। कौन सा लेवल है गाइस, 130-135 के लेवल के आसपास, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है। दूसरी बार भी आप देख सकते हैं इसी लेवल को, यानी कि ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट दिया, नीचे आ गया। अगर हम और पीछे जाते हैं तो आप ये देखिएगा दोबारा इसने इस लेवल को ही रिस्पेक्ट दे के नीचे आया, चौथी बार इस लेवल को रिस्पेक्ट दे के नीचे आया। यानी कि अगर मैं वापस जूम करके दिखाता हूँ, आप इस ट्रेंड लाइन को देखिएगा कि कितनी बार ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कितनी बार सपोर्ट फेस कर रहा है, कितनी बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन, यानी कि जो इस रेंज का जो मिड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि 132-135 तक का लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस रेंज को थोड़ा इंक्रीज करूं तो 130-140 के बीच में आप इसमें अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं और आपको ये अच्छे खासे टारगेट्स बिलो साइड में देते हुए मिल जाएगा। अगर हम सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते यार, इस वीकली चार्ट पैटर्न को फॉलो करते तो हम ये भी सोच सकते थे कि ये इसके ऊपर भी ब्रेक हो सकता है, पर डेली चार्ट में जब हमने अपनी स्टडी करी तो हमें पता चला कि जो दो फैक्टर्स हैं, जो दो चीजें निकल के आ रही है, वो हमें यही सजेस्ट कर रही है कि यहाँ से ये नीचे जा सकता है। अब हमने तीसरी चीज जब वो वीकली चार्ट में भी ऑब्जर्व करी तो हमें ये भी बता रहा है कि ये भी नीचे जा सकता है। सो गाइस आरईसी में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस में आपको इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। जब ये 130 के नीचे जाके 2 दिन तक अपनी क्लोजिंग देता है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करिएगा और आप शायद अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो लॉन्ग टर्म पे तो गाइस ये 70 का लेवल एक्सपेक्ट हो सकता है, पर आप लॉन्ग टर्म ऐसे रुक नहीं सकते शॉर्ट पोजीशन पे, तो मैं आपसे कहूंगा मार्च के आप इसमें शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं मार्च की एक्सपायरी के लिए, या फिर आप मार्च से ज्यादा की एक्सपायरी में भी इसमें शॉर्ट की पोजीशन को इनिशिएट करके रख सकते हैं। बहुत क्लियरली तरीके से मैंने आपको समझा दिया होगा कि इस आरईसी के अंदर क्या बन रहा है। पॉज करते करते हर एक जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया उन पर ध्यान करिएगा, वर्क करिएगा, अपने खुद चार्ट में जाके से बनाइएगा कि आपको समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर और उस पर किस तरीके से वर्क करना है। देख सकते हैं गाइस कि मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल ओपन करके रखा हुआ है, उस पर मैंने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ ये किस तरीके से है। ये जो बस इसके प्रीवियस बॉटम्स है, मैंने इन प्रीवियस बॉटम्स को इनिशिएट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, दोबारा एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, 2 बार आप देख सकते हैं इधर सपोर्ट ले चुका है, और उसके बाद अगर हम और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इसने दोबारा सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे हैं ट्रेंड लाइन के अंदर और अब उसके नीचे ट्रेड कर रही है। अब हम कुछ चीजें बनाना चाहेंगे। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा एक बार ड्रॉ करना चाहूंगा, जो इसका बॉटम बना हुआ है इस बॉटम पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ मैंने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करने वाला हूँ इस लेवल पे। अब मैं आपको इसमें प्रीवियस, यानी कि मैं आपको इसमें बहुत पीछे लेकर जाऊंगा वीकली चार्ट के अंदर, फिर हम ध्यान से देखेंगे किस तरीके से इसके अंदर एक बेस्ट सपोर्ट देखने को मिला है इस लेवल के अंदर, इस रेंज के अंदर, और वहां से हमें एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर। गाइज मैंने अपने क्लाइंट्स को भी इसके अंदर रिकमेंडेशन बहुत बार दे रखी है बाय करने के लिए, और ये मेरे लिए एक बेस्ट काउंटर है ट्रेड करने के लिए।
अब हम ध्यान से देखते हैं गाइस। सबसे पहले इस जो मैंने सपोर्ट्स बना रखे हैं उन्हें अभी हम हटा देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अगर ये काउंटर जाता है तो कितनी ऊपर जाता है। पहला टारगेट जो मिल रहा है ये वापस ट्रेंड लाइन की तरफ जा सकता है, जो जो कि इसका अगर हम टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जाएंगे तो 1000 रुपये का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, वो ट्रेंड लाइन हम रेजिस्टेंस को फेस करते करते या फिर टॉप को फेस करते हुए बनाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा गाइस, ये ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुआ, दोबारा हमने देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ था इस ट्रेंड लाइन के अंदर तीसरी बार, और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मल्टीपल बार यहीं पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी और वहां से हमने एक डाउनफॉल देखी। तो पर्टिकुलर फर्स्ट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि ये टाइम ड्यूरेशन से पहुंच पहुंच के यहाँ तक, यानी कि 845 के लेवल्स तक आ सकता है पर्टिकुलर ये काउंटर। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो 1000 के लेवल्स भी हम इस टेक्सटाइल के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये सपोर्ट क्यों एक गुड सपोर्ट है, अब इस सपोर्ट की तरफ हम बढ़ेंगे प्री छे। आपको मैं वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूं, उसमें आपको ध्यान से दिख जाएगा जी गाइस। हल्के हल्के करके हम पीछे जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से इस पर पैटर्न बन रहे हैं। ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखिएगा जो सपोर्ट का काम कर रही है। एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लेके जंप कर चुका है, यहां पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, यहां पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा। बिल्कुल आप ध्यान से देखते हुए जाइएगा, इस दोनों ट्रेंड लाइन को आप फेस करिएगा। ये दोनों ट्रेंड लाइन आप मान के चलिए एक सिमिलर एक रेंज है जिस पे ये पर्टिकुलर काउंटर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं इस रेंज पे भी, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। और हम पीछे जाएंगे गाइस, देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करी। 2010 की बात कर रहा हूँ गाइस मैं। अब हम थोड़ा सा और इसे एक्सटेंड कर देंगे जी गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट दे रहा था बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, हम आ गए हैं 1997 पे गाइस। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा ही दूर पहुंच गए हैं, पर आप देखिएगा गाइस जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी बिल्कुल आप देख सकते हैं उस बॉटम पे ही बनाई थी। मुझे नहीं पता था गाइस कि यहाँ पर ये बन सकता था इस लेवल से। 1997 के अराउंड इसने 677 या इस रेंज के अंदर से इसने फॉल करी और फॉल से ये सीधा 60 के लेवल पे आ गया, 60 से 70 के लेवल पे आ गया, और वहां से इसे पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा और तब भी वहां से रेजिस्टेंस फेस करता था। एक बार तो हुआ ये, मैं अगर आपको वापस पीछे लेकर जाके दिखाऊंगा कि ये वापस 670 समथिंग के लेवल पे आया, वहां से एक और फॉल आई और ये 250 के लेवल पे चला गया था। सो ये जो सपोर्ट है, ये जो दो सपोर्ट बने हुए हैं 650 से लेके 670 का, यानी कि जो एक 100 पॉइंट का जो 80 पॉइंट का जो डिफरेंस का एक जो सपोर्ट बना हुआ है, ये एक लॉन्ग टर्म का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और इस बीच में अगर आपको इस एंट्री टेक्सटाइल मिल रहा है तो आपके लिए बाय करने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गाइस। आप देख सकते हैं इसने वीकली चार्ट के यहाँ से एक रिवर्सल देने की कोशिश करी है, हो सकता है ये रिवर्सल इसने पूरे हफ्ते दिया। अब हमें अगले हफ्ते ये जो मंडे स्टार्ट होने वाला है उसमें भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या ये इसके ऊपर जा रहा है, क्या ये इस पर्टिकुलर काउंटर के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा रखा है कि किस तरीके से इसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट बना हुआ है और शायद यहाँ से एक फ्रेश बाइंग आ सकती है। सलाह आपको यही दी जाएगी बॉटम पे दोनों को बाय करके चलिएगा, उसमें मैंने आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे रखी है आरईसी पे, और बिल्कुल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने दे रखी है। और आरईसी को आप हर टाइम ऑब्जर्व करके चलिए, अगर वो 200 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और हफ्ता सस्टेन करता है, या अगर वो 70 के नीचे वो चले जाता है कभी भी और उसके नीचे हफ्ता सस्टेन करता है, तो आपको पता होगा कि एक लॉन्ग टर्म यानी कि 8 साल की गाइस रेंज को अगर वो तोड़ रहा है सो गाइस किस तरीके से उसके अंदर मूवमेंट आ सकती है। आप देखिएगा जरूर, मैं आपको बहुत एक तरीके से समझा दिया। अब हम डेली चार्ट में चलते हैं और एक अच्छी चीज को ऑब्जर्व करके देखते हैं। मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट करने के बाद मैं एक यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन में चार्ट्स पे नहीं बना रहा हूँ गाइस, मैं आरईसी पे बना रहा हूँ, मतलब आरएसआई पे बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने भी किस तरीके से रिस्पेक्ट दे रखी है इन ट्रेंड लाइंस को। और अगर मैं बॉटम की बात करता हूँ गाइस, तो आप बॉटम को भी ध्यान से देखिएगा, ये देख सकते हैं एक बार यहाँ पर इसने बॉटम को सपोर्ट दिया, दूसरी बार दिया,
तीसरी बार दिया गाइस, चौथी बार दिया, पांचवी बार दिया, छठवीं बार दिया, कितनी बार ये इस लाइन को भी रिस्पेक्ट देती है, यानी कि RSI पे भी ये रेंज बन चुकी है और डबल बॉटम्स कितनी बार बन चुकी है, मल्टीपल बॉटम्स इस ट्रेंड लाइन पे बन चुकी है। सो गाइस बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए, और मैं सलाह दूंगा कि इन दोनों स्टॉक्स पे आप जरूर ट्रेड करिएगा, दोनों पे आप अच्छे तरीके से पैसा बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा गाइस। टेक्निकल चार्ट्स में आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, कुछ ज्यादातर मैं आपको सिर्फ सपोर्ट और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के बेसिस में, फिबोनाची के बेसिस में आपको इतने बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ कि गाइस आपको कभी भी मुश्किल नहीं पैदा होगी टेक्निकल्स को समझने में। और गाइस एक मेरी बात को जरूर नोट करिएगा कि जो भी मैं आपको हर दिन या हर टाइम जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी नए चार्ट्स लेकर आता हूँ या स्टॉक्स के कोई पर्टिकुलर नए चार्ट्स लेकर आता हूँ, तो हमेशा वीडियो को रोक लीजिएगा और जिस तरीके से मैं ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अपने चार्ट्स में वो ही बनाते रहिएगा कि कभी भी अगर आप उसे आप जाके देखिएगा, अपने आप चार्ट्स को देखिएगा, आपको पता होगा कि आपको हर दिन किस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर आपको ये जिस मेरे सिखाने का तरीका बहुत पसंद आया होगा तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। बेल आइकन से गाइज होगा ये, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता बेल आइकन से, सिर्फ होगा ये कि जो भी ये मेरी जो एजुकेशनल वीडियोस आएंगी उसको आप सबसे पहले देख के लाभ उठा सकेंगे। और गाइज इस कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा और कमेंट सेक्शन में जाने के बाद मुझे बताइएगा कि कौन से दो स्टॉक्स मैं आपके लिए अब और लेकर आऊं जिसमें पैसा बन सकता है और आपको होल्डिंग है। और गाइस मुझे जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो भी बंदा वीडियो देख रहा होगा, मुझे हर बंदे के कमेंट्स नीचे चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी को तो स्टॉक्स की रिकमेंडेशन चाहिए होती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं क्या करूं, इसमें मेरी पोजीशन अटकी हुई है या मैं इसे खरीदना चाहता हूं। तो गाइस मुझे लिख के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, मैं वो दो स्टॉक्स की वीडियो 3 दिन के अंदर बना दूंगा और आपके लिए ले आऊंगा। सो गाइस कमेंट सेक्शन में घुस जाइए इस वीडियो खत्म होने के बाद और मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ।